Module 12 is about descriptive statistics, and we are going to talk in detail how the descriptive statistics help us in data science and how we can, you know, make different uh, usage of descriptive statistics in the data science. So, descriptive statistics, as the name is self explanatory, it describes certain facts about data which is already collected through different means. So there are important characteristics of this and especially uh, we need to know about the data. We say generally we say this class may ladke suppose. So this is description of your collected data. Hum kehte hai, is class mein फ़र्ज़ करें वी आर टॉकिंग अबाउट जी सी एस सी क्लास और हम ये कहते हैं कि एवरेज एज जो है इस क्लास में लड़कों की सोलह साल है तो इस तरह के जो मैय होते हैं या फिर ये होता है कि जी हमारे बेसिकली इसमें जो जो आपका पास्ट डेटा है विच इज़ अ फैक्चुअल डेटा उसको डिस्क्राइब करने के तीन मेजर एरिया सबसे पहला जो वो है दैट इज मल टेंडेंसी ओवरऑल जो हमारा कलेक्टिड डेटा है वो किस चीज़ को प्रजेंट करता है इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं मैर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के उसमें जैसे मीन जो नॉर्मली हम एवरेज कहते हैं क्रिकेट मैच हो जी एवरेज इतने की चाहिए इतनी एवरेज हमारी हो गई है इतने ओवर बाकी हैं यू नो सो ये सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है या हम कहते हैं कि कोई एक जो बैट्समैन है या बॉलर है उसकी इतनी एवरेज है बैटिंग एवरेज टेस्ट में इतनी है वनडे मैचेस में इतनी है टी ट्वेंटी में इतनी है सो दिस इज़ ऑल एवरेज तो इस ये कहते हैं मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फिर इसके अलावा दो और मैर हैं जो कि नॉर्मली कम यूज़ होते हैं एक है उसमें मीन और एक है मीडियन uh, और मोड सो फर्स्ट वन इज़ मीन विच इज़ एवरेज सेकेंड इज मीडियन एंड थर्ड इज़ मोड मोड जो है वो ज़्यादा जो नंबर ऑफ अक्रेंसीज होती हैं किसी एक डाटा के अंदर वो मोड होता है और मीन ये होता है कि जो उसके अंदर हाइस्ट वैल्यू जो होती है नॉर्मल जो ज़्यादा वैल्यूज़ को जो वो मीडियम सॉरी वो वो चीज़ होती है तो दैट इज़ इट इज़ फिर उसके बाद डाटा स्प्रेड है कि पूरी जो आपकी पॉपुलेशन है वो उसके अंदर डाटा स्प्रेड किस तरह से है कि जैसे कुछ अगेन uh, हम स्टूडेंट्स की बात करें कुछ स्टूडेंट जिनके नंबर बड़े कम होते हैं कुछ के नंबर बड़े ज़्यादा होते हैं लेकिन जो एवरेज लोग हैं जिनका फर्ज करें कोई भी आप ग्रेड uh, uh, ले लें ए बी और मे बी बी और सी दैट इज मे बी एवरेज डी और एफ इज़ रेयर दैन सिमिलरली ए प्लस दे आर रेयर तो दैट इज़ सो नॉर्मली ओवर डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड और ये इसके अंदर फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एवियशन वेरियंस ये चीज़ें बेसिकली डेटा स्प्रेड के बारे में आती हैं फिर इसी तरह रिलेटिव स्टैंडिंग एक जो सेट ऑफ डेटा है विद इन स्पीयर ऑफ डेटा उसका दूसरे से क्या, क्या रिलेशनशिप है इन सारी चीज़ों को अभी हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं तो उससे पहले जो है ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जो थोड़ा कुछ मैंने आपसे भी शेयर भी किया बट थोड़ा सा हम इसको फोकस के साथ देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसके जो जो करेक्टिस्टिक्स क्या हैं हो इट इज़ डिफरेंट फ्राम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और अदर टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जैसे प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं उनसे हमारा जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो किस तरह से डिफर करता है इसकी अपनी खासियत क्या है तो इसमें सबसे पहली बात है कि ये समराइज जो डाटा है उसको डिस्क्राइब करता है ये फिर डेटा को इन अ मीनिंगफुल वे जो है ना प्रेजेंट करते हैं आप यू 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 कैन फाइंड आउट आपको फर्दर उस पर ड्रिल डाउन तो करते हैं लेकिन आपको मजीद उसमें एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो जो भी आपने डाटा प्रिपेयर किया वो आपको पता चल जाता है कि हाँ जी जैसे एवरेज ग्रेड्स हैं एवरेज अपना या अगर आप इसमें ब्लड रिपोर्ट की एग्जांपल ले लें तो रेंजेस होती हैं डिफरेंट तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि इस बंदे का किसी एक शुगर लेवल है या कोई और Uh, उसका वो जो वाइट ब्लड काउंट है हेमोग्लोबिन है ये चीज़ें नॉर्मल रेंज में है या नहीं तो आपको फर्दर उसमें कोई स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो दिस इज़ अगेन वन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव डेटा और जैसे कि ये ऑलरेडी नोन फैक्ट्स हैं आपके यू नो कि हाँ जी ये ये नॉर्मल रेंज है ये एक्सेप्टेबल है ये डेंजरस है ये लो है ये हाई है ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको उस डेटा की बेस पे पता चल चलती हैं जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड है इसको फिर हम जैसे इससे पहले वाले हमने स्लाइड्स में देखा कि इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेबल चार्ट्स डैशबोर्ड्स ग्राफ्स ये सारा हमारा जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बाद फिर इसके अंदर जो डिफरेंट जो इसकी रिप्रजेंटेशन है उसमें वही चीज़ें आ जाती हैं मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है डेटा का स्प्रेड है डेटा का रिलेशनशिप है आपस में तो ये सारी के ये वो चीज़ें जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको मिलती हैं और अगर हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसके अंदर ये चीज़ें हम फोरकास्ट कर सकते हैं हम उनको फोरसी कर सकते हैं उसकी बेस पे कोई रिजल्ट एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये होगा तो हम ये करेंगे यू you नो know? तो दैट इज़ हाउ इट इज एग्जाम्पल दें फिर उसकी कुछ जैसे हमने बात की कि जो स्टूडेंट्स का मैथ का स्कोर है वो इसके एग्ज़ाम क्योंकि एग्ज़ाम हो गया उसके बाद उन्होंने टेस्ट दिया और उसके बाद उनके जो है वो एग्ज़ामिनर ने वो पेपर चेक किया और उसका रिज़ल्ट बता दिया तो दिस इज़ अ फैक्ट इसी तरह फिर आपका जो कि उसमें कितने स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया कितने स्टूडेंट्स ने बी ग्रेड लिया तो इस सो एन एंड सोफ हो जिस सारे के सारे फैक्ट्स हैं अबाउट अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अगर हम देखें ओवरऑल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पूरी यूनिवर्सिटी के पूरे स्कूल के उसमें से हमने सिर्फ जी के स्टूडेंट्स का जो मैथ का रिजल्ट देखा तो इसमें बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरा डाटा था हमने उसको कलेक्ट किया इन टर्म्स ऑफ पेपर फिर हमने उसको ऑर्गेनाइज किया सब्जेक्ट uh, वाइज फिर उसको हमने एग्जामिनर uh, ने उसको चेक किया और उसकी बेस पे रिजल्ट प्रोड्यूस किया so, ये सारे का सारा ये जो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है अबाउट स्टूडेंट्स uh, फिर इसके बाद यह कि ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट है इसके अंदर जो डेटा दैट इज ऑलवेज सर्टन इसके अंदर अनसर्टनिटी नहीं होती कि ये होगा या नहीं होगा क्योंकि एक स्टूडेंट है उसने अपना स्कोर अचीव कर लिया तो अब हम ये नहीं कह सकते ये पास होगा या फेल होगा अगर वो पास है तो वो पास है अगर वह फेल है तो वो फेल है तो दैट इज़ और डिस्क्रिप्टिव डेटा इज ऑलवेज सर्टन फिर इसमें हमने देखा था जो मैंने बात की थी शुरू में भी कि देर आर थ्री वेज ऑफ़ मैयर ऑफ़ सेंट्रल टेंडेंसी उसमें मीन मीडियम मोड ये चीज़ें आती हैं जो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया अभी इनको फर्दर जब हम वेरिएबल्स और दूसरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें और फिर हमारे उसमें हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट है वो और मज़ीद क्लियर होते जाएंगे इन चीज़ों के बारे में तो जो डाटा स्प्रेड है उसको मैयर हम करते हैं स्टैंडर्ड एवियेशन से वेरियंस से को रिलेशन से को वेरियंस से रेंज से तो डिफरेंट जो है हमारे पास मैयर्स हैं अगर मेरा एवरेज स्टूडेंट का जो पास रेट ये है तो उसके अंदर वेरिएंस क्या है वेरिएंस मींस कि कितने स्टूडेंट्स मेरे उस रेंज से बाहर हैं या इनका आपस में को रिलेशन क्या है कि जो अगेन अर्बन पापुलेशन के लोग हैं उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है या रूरल पॉपुलेशन का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है या किसी ख़ास स्कूल के स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा है तो बेस्ड ऑन दैट या हम फर्ज़ करें इसको भी देखते हैं कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स uh, हैं और जो जो हमारी दूसरी फिजिकल यूनिवर्सिटी है उनके स्टूडेंट्स हैं उनका जो आपस में स्कोर है उसको क्या हम रिलेट कर सकते हैं तो ये दैट इज़ ओवर डेटा इज को रिलेटेड और इसकी बेस में बहुत सारी फैक्ट्स फाइंडिंग हम कर सकते हैं और तो फिर फर्दर जो प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन की डिफरेंट कंपनीज की दैट इज़ बेस्ड ऑन ये जो जो डाटा का हमारा स्प्रेड है इसके बारे में फिर रिलेटिव स्टैंडिंग है डाटा जो हमारा ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन है वो देर डिफरेंट वेज एक है कि आप उसको चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं फर्स्ट क्वार्टल सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये, आ, फिर इसी तरह आप उसको ये डिपेंड करता है किस तरह का डाटा कि टेन दस हिस्सों में करते हैं तो वो आपका डिसाइल आ जाता है सौ हिस्सों में डिवाइड करें तो वो आपका परसेंटाइल आ जाता है बेसिकली तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस किए हैं क्विकली अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या डिस्क्रिप्टिव डेटा और डिस्क्रिप्टिव डाटा को हमने कैसे जो है वो यूज़ करना है तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस मॉड्यूल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल